राम मंदिर के जैसा ही भव्य मंदिर बनेगा मथुरा और काशी। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान देने वाले अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ रामचंद्र परम घोष, बाला साहेब ठाकरे और कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। मंगलवार को सुबह डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के गदरपुर आगमन पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल व मातृशक्ति द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों को भारत रत्न देकर भाजपा को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया है। उन्होंने भी 40 वर्षों में 12 बार हिंदुओं को जगाने का काम किया है। प्रवीण तोगड़िया ने UCC को लेकर उत्तराखंड सरकार को बधाई देकर कहा कि देश में मजहब के आधार पर दो कानूनों की परंपरा समाप्त करने का CM धामी ने साहस दिखाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे नाम के लिए नहीं बल्कि राम के लिए निकले हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है, उसी प्रकार काशी व मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। गदरपुर उधम सिंह नगर से संजीव गायन की रिपोर्ट। बाकी को अधिकार नहीं, बाकी का कोई कार्यकर्ता नहीं। राम लला का मंदिर बहुत भव्य बनवा दिया गया, उस पर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरा कहना है कि राम मंदिर बनाने के लिए 500 वर्ष 25 पीढ़ियां, 8 लाख कार्य सेवक, 1 लाख संत, 8 करोड़ हिंदुओं के सवा रुपया और भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी से लेकर सभी लोगों का सहयोग रहा है, यह सबको धन्यवाद है। धन्यवाद पूरे हिंदू समाज को है, यही मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। राम मंदिर के बाद अब मथुरा में और ज्ञानवापी पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? प्रवीण तोगड़िया को अपने कान में काशी में डबरू सुनाई देता है और मथुरा की बांसुरी की आवाज अब सपने में भी आने लगी है, तो अब हो जाएगा। मैं अमरजला से जसपाल द्वारा यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदि शंकराचार्य जी द्वारा राम मंदिर के पूजन पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, उस पर आपका क्या कहना? शंकराचार्यों के बारे में कहने का प्रवीण तोगड़िया है किसी हिंदू का न अधिकार है, न योग्यता है, न ज्ञान है। हमारा एक ही अधिकार है कि शंकराचार्य को प्रणाम करके आशीर्वाद ले, यही मेरा शंकराचार्य जी के संदर्भ में वक्तव्य है। सर, प्रदेश सरकार द्वारा देश में सबसे पहले उत्तराखंड में कानून लागू किया गया, उस पर क्या कहेंगे? उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद, अभिनंदन। आपने 4 बीवियों का शरिया का कानून समाप्त करके यहाँ खड़े हो रहे हैं, दारुल इस्लाम का इस्लामिक राज्य के पौधे को खत्म किया है। आगे भी भारत में भारत का विभाजन करके मंदिर तोड़ने वाला दारुल इस्लामिक राज्य खड़ा न हो, इसलिए पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। अकेला नहीं है, कोई हिंदू अकेला नहीं है। 24 घंटे मुफ्त में देश में कहीं पर मदद की व्यवस्था, हिंदू हेल्पलाइन। कोई गरीब बिना पैसा प्राइवेट के डॉक्टर के बिना नहीं रहेगा, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर इंडिया हेल्थलाइन। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, हर महीने मुफ्त में अनाज एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब हिंदू जेल में नहीं रहेगा मुफ्त में एडवोकेट मुफ्त में जमानत गरीब हिंदुओं को रोजगार में मदद। हम संकल्प करते हैं कि हर सप्ताह मंगल या शनिवार लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आप सबको भी संदेश दे दिया, पत्रकारों से बात हो गई।
सर एक मिनट कार्ड फोटो लेना ये कार्ड आपको सब एक एक देता हूँ। ये कार्ड में हिंदू हेल्पलाइन का नंबर है। भारत में कहीं पर भी मदद चाहिए सर आप खड़े हो जाइएगा। भारत में ये ले लेते मदद कैसे करेंगे। ये फोन पर फोन करने का है। इधर देखना थोड़ी चीज आप आगे हल्की मेरा नंबर है उस पर मिस कॉल देंगे तो मेरे मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा और आप मेरा सेव करो। पीछे जो यंग लड़के हैं फेसबुक के लिए स्कैन करेंगे तो जुड़ जाइए। दोनों और थोड़े थोड़े दे देता हूँ एक लेकर दूसरा दूसरे को बांट दो। कोई नहीं बैठक आप लोग बैठेंगे खाली सब सबको देंगे कार्ड पर्याप्त है चिंता मत करो। सर मेरा छोटा सवाल था छोटा सवाल है कि गदरपुर क्षेत्र में जो है सोशल मीडिया पे देखा जाता है हमने बात कही है लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ ही समय से जो है हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू हुए करने शुरू हुए जिस मंदिर में इस समय हम लोग हैं मौजूद है यहाँ पर भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो लोग जो है उसको गिनती में कर देते हैं कि आज मेरे को इतने सप्ताह हो गए करवाते हुए आज मुझे इतने हो गए। जबकि अगर अन्य धर्म की बात करें तो उनकी आज तक की गिनती की कोई मायने नहीं है। आखिर गिनती क्यों क्या कुछ कहना चाहेंगे। हनुमान चालीसा कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता है गिनती करने वालों को गिनती भी करने का आनंद लेने दो नहीं करने वालों को नहीं करने वालों को आनंद लेने दो। हनुमान चालीसा करने वालों को आप बोलेंगे धन्यवाद धन्यवाद बोलो हनुमान चालीसा करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद हनुमान चालीसा करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद ठीक है। आगमन पर जो भव्य और दिव्य स्वागत किया गया है उसका आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रकाश सैनी जी और उनकी टीम के द्वारा डॉक्टर साहब का जो भव्य स्वागत किया गया है उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर जो भी गदरपुर के अपने कार्यकर्ता हैं मैं उनका एक बार सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बुलाते जाओ मेरे बगल में बैठकर फोटो खिंचवाते जाओ। विपुल जी निपुण गगनेजा जी।